नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल साइबर गुरु में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताना कि सब फुर्सब क्या होता है, क्या सही है या गलत है, या इससे आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं। तो गाइस, आज आप वीडियो को लास्ट देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे नए यूट्यूबर को देखा जो क्या करते हैं कि दूसरे की यूट्यूब वीडियो में जाते हैं और वहाँ कमेंट करते हैं सब फॉर सब सब मी या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको डेफिनेटली यूट्यूब से पैसे कमाना है और अपने चैनल को ग्रो करना है तो आपको ये तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। क्योंकि गाइस, यहाँ पर जैसे आप किसी के यूट्यूब वीडियो में कमेंट करते हैं सब फॉर या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों यूट्यूब क्या करता है कि आपके कमेंट को स्पैम में डाल देता है। अगर दोस्तों, अगर आपने इस तरह का अपना थ्रेशोल्ड जो है 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर का थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लिया, अगर आपका चैनल अंडर रिव्यू में है तो दोस्तों आपका मोनेटाइजेशन फिर भी इनेबल नहीं होगा। क्योंकि इस YouTube का एल्गोरिथम जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उसे मालूम है कि आपने सब्सक्राइबर कहाँ से गेन किए, किस सोर्स से आपके पास सब्सक्राइबर आए हैं। तो दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में सब फोर सब को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टार्टिंग में क्या दोस्तों, मैं आपको कहूँ कि आप सब फोर सब को यूज़ कभी भी ना करें अगर डेफिनेटली आपको YouTube चैनल अपना ग्रो करना है। तो दोस्तों, यहाँ से आप अगर सब फोर सब करके आ रहे हैं, अपने अगर 10 सब्सक्राइबर क्यों ना कर ले, आपके चैनल का मोनेटाइजेशन जो इनेबल नहीं होगा। क्योंकि इस वो सब्सक्राइबर जो है एक्टिव सब्सक्राइब आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपने सब्सक्राइबर जो है आपने उसे ज़बरदस्ती बुलाया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों, इस तरह जो आपका चैनल का मोनेटाइजेशन जो कभी भी इनेबल नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको वाकई यूट्यूब चैनल ग्रो करना और यूट्यूब से पैसे कमाना तो आपको सब फोर सब को यूज़ कभी भी नहीं करना है। दोस्तों, आपको पेशेंस रखना है, आपका जो चैनल जो धीरे धीरे ग्रो होगा। आपको कंटेंट फोकस रखना है, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपके चैनल को जो लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो है सब फोर सब को यूज़ ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करो और इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।